हेलो भाइयों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमरीश पटेल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गैरी नाइक गेमर्स में। तो फाइनली एक बार हम फिर से खेलने जा रहे हैं कस्टम अपने फ्रेंड्स के साथ। तो हम इस बार भी ट्रिपल वर्सेस, पिछली बार ट्रिपल वर्सेस डुओ हुआ था, तो इस बार हम खेलेंगे ट्रिपल वर्सेस ट्रिपल। तो इस पिछली बार हम जीत गए थे ट्रिपल डुओ ट्रिपल वर्सेस डुओ में, क्योंकि उधर बेशक प्रो बंदे थे लेकिन हम जीत गए थे, कोई बात नहीं। लेकिन इस बार देखते हैं कि हम जीतेंगे या नहीं। तो ये मेरे फ्रेंड एक हैं जिस मेरा क्लासमेट है, तो उसके फ्रेंड्स ने कस्टम बनाया तो हम उसी के साथ खेल रहे हैं। तो देखते हैं कि इस बार हमारा क्या हाल होगा, क्या हम जीत पाएंगे, क्या हम मैन ऑफ द मैच बन पाएंगे, क्या हमारी ये वीडियो लाइक होगी, क्या हमारी वीडियो 50,000 लाइक का टारगेट पूरा कर पाएगी। तो खैर, 50,000 लाइक का टारगेट पूरा नहीं कर पाएगी, तो प्लीज़ आप मेरे टारगेट तक ज़रूर पहुंचाना और वीडियो को फटाफट सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, फर्स्ट राउंड पर हम अपने आ चुके हैं। तो इस बार हमारे पास है शॉटगन। तो फर्स्ट राउंड में, जैसा कि हमें याद है कि हम हर राउंड में अपने डबल किल करेंगे, तो ये मतलब कस्टम है, कस्टम में ज़रूरी है कि हर राउंड में डबल किल हो ही जाए। तो हम अपना पूरा कोशिश करेंगे डबल किल करने की। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इधर से हम जा रहे हैं, आई होप कि इधर कोई बंदा ना हो इससे पहले कि वो वन टैप में ही ख़त्म कर दे। तो कोई बंदा नहीं है, तो चलिए आगे और चलते हैं, और आगे चलेंगे और आगे। तो इधर गोलीबारी हो रही है आई थिंक, लेकिन कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा। ये सामने इधर बगल में एक बंदा है, वन एक और ये दूसरी, तो दो गोली में ही हमने उसे मार दिया है। तो हमारी बिना एचपी घटे ही हमने उसे मार दिया, लेकिन वो जब मैंने कूदा तो मेरी एचपी घट गई थी, इसी के कारण मतलब हमारी थोड़ी एचपी घट गई। तो और ये विक्ट्री हो गया, मतलब एक ही किल के अंदर हमारी विक्ट्री हो गई। तो डबल किल तो हम कर नहीं पाए, तो कोई बात नहीं। तो दर्क्ष कोई नाम का एक लड़का है, मतलब मेरे क्लासमेट का दोस्त है, तो उसका नाम आया, यानी कि उसने बढ़िया किल किए होंगे, धासु। तो इस बार हमारे पास शॉटगन है, MP40 है, और खैर हम इसे इस कस्टम के बाद इनवाइट करेंगे। तो अब सामने बंदे हैं, आई थिंक तीनों बंदे वहीं पे हैं, तो अभी अटैक करना सही नहीं रहेगा, थोड़ी देर बाद अटैक करेंगे। तो उधर से भी एक बंदा आ रहा है, मुझे यहाँ इधर पीछे छिप जाना चाहिए। अगर जो तीनों इकट्ठे अटैक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। तो वो उधर गया, उधर गया है, मुझे उधर ही जाना चाहिए। तो इस तरफ एक अकेला बंदा मुझे लगता है, ये दो आए हैं, तो इसे नॉक, ओ हो, ग्लू वॉल ने लगा लिया। ओ हो, ओ यार डैमेज बहुत दिया, ओ सॉरी बहुत डैमेज नहीं दिया, मुझे एक पल के लगा कि बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ गया है। तो हमारा एक साथी पीटर है, उसे बचाना होगा। तो जल्दी चलते हैं, जल्दी फटाफट। तो उसने दो को ख़त्म कर दिया, वाह। तो ये कहाँ है, एक कहाँ है, एक को मैं ही ख़त्म करूँगा ये। ओ तो इस राउंड में हमें एक भी किल नहीं मिल पाया, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। मैंने सोचा था कि इस राउंड में कम से कम किल तो मिल जाए, मतलब सेकंड राउंड में एक भी किल नहीं मिला, थर्ड राउंड में तो हम किल लेके ही मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। यार किल ही नहीं मिल पा रहा, और मैं डर के भाग रहा हूँ, मुझे डर के भागना नहीं चाहिए। तो हम सेकंड नंबर पे, मेरा ये जो क्लासमेट है सुजल, मुझे लगता है वो कुछ नहीं कर पा रहा यार। तो इसके ये साइड में क्या आ गया, मतलब एक पल के लिए मैं ऐसे उछला जैसे कि किसी जो टायर होते हैं ना, टायर से उछलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हाई पहुंचते हैं, मुझे ऐसा लगा। पता नहीं ये क्या है इसके पास, मतलब शायद मुझे इस बारे में ना पता हो, क्योंकि फ्री फायर खेलते हुए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 महीने हुए हैं और चैनल खोले 2 महीने आई थिंक। तो खैर चलते हैं आगे। तो इधर तीनों बंदे यहीं पर होंगे, मुझे कन्फर्म पता है, तो इकट्ठे ही रहते हैं ये लोग, और हमें कि अलग अलग। तो आगे चलते हैं, इधर एक भी नहीं गए, ओ हो बचना होगा मुझे, ओ शिट। तो शॉटगन को हटा के मुझे MP5 निकाल लेनी चाहिए, मुझे आई थिंक यही लगता है कि शॉटगन की रेंज इतनी नहीं है, MP5 निकालूंगा तो सही रहेगा थोड़ी सी। तो ये ओहो ग्लू वॉल, पूरा मेन मकसद जो होता है ना ग्लू वॉल से, हम ख़राब कर देते हैं मूड पूरा। तो ग्लू वॉल हट गया, आगे चलते हैं।
यहीं पे एक बंदा छिपा हुआ है, एक बंदे यहाँ पे छिपा हुआ है, दो दो हैं। तो इधर हम पीछे, ओ पीछे साइड से हमें चलना चाहिए था। तो इसे ख़त्म, ओ शिट, उसने नॉक कर दिया। सारे किल वही लेके जा रहे हैं मुझे सारे ये। ओफो, तो चलो थर्ड राउंड में एक किल तो मिल ही गया। मतलब ये कब से सारे किल लेके जा रहा है, दक्ष दक्ष दक्ष, मतलब हर राउंड में उसी का नाम, थक चुका हूँ मैं उसके नाम से। तो हम स्टार्टिंग से तीनों राउंड हमारी विक्ट्री होती आ रही है, विक्ट्री, सिर्फ हमारी विक्ट्री। तो देखते हैं इस राउंड में उनकी विक्ट्री हो या नहीं। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब फटाफट करो, फटाफट कर दो दोस्तों। इंतज़ार किस लिए कर रहे हो, करो लाइक सब्सक्राइब फटाफट। तो अब हम दूसरे के ऊपर जब चढ़ते हैं ना, तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है। हम अपने आप को उनसे ज़्यादा ऊपर समझते हैं, लेकिन समझना नहीं चाहिए। तो ये बार बार ग्लू वॉल ऐसे लगा देता है, मेरी जो स्पीड होती है ना वो कम हो जाती है। तो मैं हमेशा जैसा कि खेलता हूँ इस राउंड में, तो हमेशा इस टैंकर के अंदर घुस जाता हूँ, कंटेनर के अंदर। वाह, तो ये बंदे इस बार कहाँ पर हैं, गोली ऊपर चढ़ा है कोई एक सा, तो ऊपर से गोली पड़ रही है हमें। इधर इसके पीछे जाता हूँ इधर, तो ओहो ये सामने, ओ ये तो उनका मिरर था एक तरह से। तो फटाफट मैं मेडिकेट भर लेता हूँ, तो मेडिकेट भर लिया मैंने मेडिकेट नहीं भरा, ओ नॉक कर दिया। तो इस ऊपर जो चढ़ा हुआ है वो हमें नॉक करता जा रहा है, उसे भी ख़त्म करना होगा सबसे पहले। ओ भाई, ओ रिवाइव दे दे यार, ये देखो मतलब चारों तरफ से रिवाइव नहीं दे सकता, वो रिवाइव दे दे प्लीज़ यार, रिवाइव दे दो। तो गए, मतलब मैं ख़त्म हो गया, मेरा एक टीममेट जो क्लासमेट था वो नॉक पड़ा है, और ये दक्ष अभी एकदम घुसा पड़ा है अंदर ही ग्लू वॉल के अंदर। तो जल्दी से, ये 1 मिनट, इसे डैमेज पड़ चुका है, ये ख़त्म, तो ये भी ख़त्म हो गया। वाह यार, क्या है यार, इस राउंड में तीनों के तीनों बंदे मतलब जीवित हैं और हम तीनों के तीनों ख़त्म हो गए। तो इस राउंड में हम अपना डबल किल करके ही मानेंगे, या ट्रिपल किल, तो चाहे कुछ भी हो जाए इस राउंड में होगा ही हमारा ट्रिपल किल या डबल किल, पक्का होगा पक्का। तो चलिए आगे चलते हैं फटाफट यार। मतलब ग्लू वॉल जब अंदर रहते हैं तो ना ग्लू वॉल लगता है ना कुछ भी लगता है, तो थोड़ा सा और अंदर आते हैं, अभी भी ग्लू वॉल नहीं लगा। तो जब तक हम रेड जोन के अंदर रहते हैं ना, ग्लू वॉल बिल्कुल भी नहीं लगता, मतलब कोई भी इक्विपमेंट काम नहीं करता सिवाय बंदूक के अलावा, तो वो भी बाहर नहीं जाती एकदम। चलिए, तो वो बंदा एक बाहर ही आया एकदम, हम उसे अंदर से जाके मारेंगे। तो वो कहाँ गया यहाँ से, मुझे लगता है कि ये पीछे की तरफ आ गया क्या। थोड़ा सा उसके पीछे जा के देख लेता हूँ, जो वो लकड़ी के बॉक्सेस पड़े हैं उसके पीछे होगा, नहीं है यहाँ पे भी, उधर है। ओ शिट यार, तो MP40 से ये नॉक 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 नॉक, और ये ख़त्म। तो MP40 से एक हमने किल कर लिया, अब वो सेकंड किल, दूसरा किल भी हम करेंगे उस बंदे को मार के। ये शॉटगन निकाली, शॉटगन से नॉक, और ये ख़त्म। तो अब मेडिकेट भर लेते हैं पहले, सबसे पहले। तो मेडिकेट मैं भर नहीं रहा, कोई बात नहीं, तो अब मेडिकेट भर लेता हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं, मेडिकेट भर लेता हूँ। उस बंदे को कैसे भी करके ख़त्म ही करना है हमें को। तो इधर से चलते हैं, इधर से जाएंगे तो क्या पता वो उधर साइड हो तो वो ख़त्म कर दे। कहाँ पे है वो बंदा, इधर छिपा हुआ है, ये रहा। ओ, शॉट गन से, ओ यार मतलब शॉट गन यहाँ के लिए शॉट गन सही नहीं थी। फास्ट मोड कोई गन लेता ना MP40 से, तो MP40 से हम शायद मार भी पाते, लेकिन हमने शॉट गन लिया, कोई बात नहीं। तो अब हम अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ आ चुके हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट राउंड कैसे जाएगा, मतलब नेक्स्ट राउंड में हमारे कितने किल होंगे। मेरे शायद 4 किल हो चुके हैं, आई थिंक 4 किल हो चुके हैं मेरे। अब देखते हैं हमारे कितने किल होंगे। अब तो हमें कैसे भी करके ऑब्जेक्टिव 7 है, यानी कि 7 बार हमें जीतना होगा। हम 3 बार जीत चुके हैं, अब सिर्फ 4 बार और जीतना है। तो इस बार देखते हैं हमारे कितने किल होंगे। यार मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, मतलब ये इसमें वॉइस ओवर डालते डालते मैं थक चुका हूँ, मेरे मुंह में दर्द होने लग गया है। तो इतना मैं कष्ट उठा रहा हूँ, एक नॉक हो गया, मतलब डिजर्ट ईगल से हमने नॉक किया। तो उस बंदे ने मतलब उसे आई थिंक रिवाइव कर दिया। ओ शिट यार, तो इसे हम ख़त्म। ओ नॉक, मतलब 2 नॉक हमने कर दिया, मतलब एक ये बंदा बार बार मर, 2 हमने नॉक किया, अब ये आके मुझे लगता है रिवाइव दे देगा। तो इससे पहले वो रिवाइव दे हमें ख़त्म,
और उसने रिवाइव दे दिया है, मुझे लगता है दे देगा, अब तो दे ही चुका हो, दे देगा वो, अभी तक रिवाइव उसने नहीं दिया है मेरे उसको। तो भाई प्लीज़ 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 रिवाइव। ओह शिट, तो मतलब मैंने दो बार नॉक किया, दो बार, दो लोगों को मैंने दो बार नॉक किया, लेकिन वो रिवाइव दे दिया और मेरे सिर्फ चार किल के रह गए, मतलब सेकंड नंबर पे मैं हूँ अभी भी। काफ़ी बुरा हुआ मेरे साथ। और ये कहाँ हवा में गोली चला रखे भाई तू, यार मेरा क्लासमेट कैसा है, मुझे लगता है इसके साथ इंटरनेट प्रैंक हो रहा है, तो इसका इंटरनेट ही काम नहीं कर रहा, मतलब कौन सा सिम ले रखा है भाई, BSNL ले रखा है क्या? तो मुझे तो लगता है अब तो BSNL भी काम करने लग गया होगा, कौन से सिम इसने ले रखा है यार। तो खैर इसने भी कोई भी सिम ले रखा हो, इस बार हम अपना विक्ट्री करके ही मानेंगे, क्योंकि हमने तीन बार हम लगातार जीतते आ रहे हैं और ये तीन बार हमारे एकदम पास आ गए, मतलब तीन बार ये भी लगातार जीत गए, ये बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। तो अब इन्हें कैसे भी करके हमें पीछे करना होगा और हम आगे चलते हैं, तो फटाफट हम जीतेंगे इनसे कुछ भी हो जाए। तो आगे बंदे कहाँ पे हैं, ये उनके साथ ही उधर हैं, तो इस बार हमें किल लेना होगा, अगर जो नहीं भी ले पाता किल तो कोई बात नहीं, तो बस हमें मैन ऑफ द मैच बनना, हार भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा प्रो लग रहे हैं, मतलब ग्लू वॉल जहाँ लग जाती है ना, तो मुझे ग्लू वॉल से बहुत ही ज़्यादा एलर्जी होती है, क्योंकि जब भी हम किसी बंदे को ख़त्म करने जाते हैं वो अचानक से ग्लू वॉल लगा लेता है, जिसके कारण हम उसे ख़त्म नहीं कर पाते। अब आप ही बताइए, जब किसी ग्लू वॉल किसी बंदे को आप ख़त्म करने जा रहे हो, वो अचानक से ग्लू वॉल लगा ले, आपका मूड ख़राब हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ही मूड ख़राब हो जाएगा। ये देखो, मतलब वो हो, मैं उसे ख़त्म करते रह गया, उधर हमारी टीम ख़त्म हो गई, ये चार बार जीत गए और वो पीछे से दो बंदे आए, उसने मेरे को ख़त्म कर दिया, ये सही नहीं है, बहुत ही गलत हो रहा है हमारे साथ। मैं कुछ ज़्यादा ही वो बोल गया ना, नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक पल के लिए एक्टिंग के अंदर घुस गया, मैं क्या ही क्या बोले जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, हम अपने गेम के अंदर वापस आते हैं। तो इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे जीतने की, तो चाहे कुछ भी हो जाए, अगर जो हम नहीं जीतेंगे ना तो बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा, हमें कैसे भी करके जीतना ही होगा, बहुत ही जल्दी जीतना होगा। तो वो सामने से ही अटैक किए जा रहे हैं, तो हमारे पास डिज़र्ट ईगल, मैं डिज़र्ट ईगल चलाता हूँ, तो कोई बंदा ही नहीं दिख रहा, तो डिज़र्ट ईगल कहाँ पे चलाऊँ मैं, तो इधर इधर, ओहो बहुत बुरा, बहुत बुरा, मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, इस बार मैं भी ग्लू वॉल लगा के जाऊँगा, मैं भी मारूँगा ग्लू वॉल लगा लगा के। तो मैं सोचता हूँ कि उन्हें जीतने दो यार, मतलब जीतने दो, सॉरी, मतलब ग्लू वॉल लगा के क्या फ़ायदा आया। तो उधर एक बंदा आ रहा है, इसे पहले इसे ओ हो डैमेज दिया, तो इसका किल हम ही देंगे, मतलब इसे भी मैं ही मारूंगा, ये नॉक कर दिया शॉटगन से, डैमेज इसने दिया, नॉक मैंने किया, किल मैं ले गया। तो ये एक मिनट इसे भी, ओह लेकिन इसे मैं नॉक करने वाला था, लेकिन इसने डैमेज दे दिया। तो फटाफट हम रिवाइव अपने वो सॉरी मेडिकेट भरते हैं, तो फटाफट मेडिकेट जैसे ही हम भर रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होगा। ओ इधर एक बंदा गया, भाग के गया, तो पहले हम मेडिकेट भरते हैं, बिना मेडिकेट के हम उससे फाइट लेने नहीं जाएंगे। तो कहाँ पे है वो बंदा, इधर भी नहीं है, मुझे लगता है इधर है वो कहाँ है, कहाँ भाई, ये मुझे लगा कि यहाँ पे कोई बंदा है, क्योंकि तो किधर है वो, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, वो पीछे, वो रहा एक मिनट। तो MP40 हमने निकाली, लेकिन शॉटगन वापस फिर से निकालनी पड़ी। अटैक, ओ शिट बच गया, ग्लू वॉल लगा ली चारों तरफ, फिर से ग्लू वॉल, यार हमें वो ले लेना चाहिए था एक अगली। इसमें क्या है ना कि इन लोगों ने कस्टम बनाया, तो इसमें हम लोग वो ले ही नहीं पाते, क्या कहते हैं, ग्रेनेड, जिससे हम अगर जो ग्रेनेड मिल जाता ना तो हम उसे ख़त्म कर देते ना, ग्रेनेड मिल जाता तो। तो ये एक मिनट, ख़त्म, ओ और ये किल, ओ थैंक गॉड इस राउंड में हमें डबल किल हो गया हमारा, वरना बहुत ही बुरा हो जाता ना। तो चार चार एक एक गेमर हमारा, थैंक गॉड नाम तो आ गया, मतलब अब बराबरी पे हो गई है, चार बार हम जीत चुके, चार बार वो जीत चुके, एकदम बराबरी पे, इक्वल पे हमारा काम है। तो अब आगे चलते हैं, अगर जो इससे पहले, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो हम भी अभी भी दूसरे नंबर पे है और जो दक्ष है वो पहले नंबर पे है, यही लगता है ना, मतलब इतनी जल्दी वो निकल गया, मैंने ध्यान नहीं दे पाया, तो मुझे तो लगता है दक्ष पहले नंबर पे ही है अभी, और हमें मैन ऑफ द मैच बनना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस बार मैं पीछे की तरफ से जाता हूँ,
हमारे पास सभी चीज़ें हैं ना, डिजर्ट ईगल, शॉर्ट गन और MP40, मतलब ये वो वाले, इसमें थॉमसन और वेक्टर होता ना, फिर तो हम एकदम धांसू किल करते थॉमसन वेक्टर की हेल्प से। लेकिन इसमें थॉमसन वेक्टर तो है ही नहीं, और ये थॉमसन वेक्टर मेरी फेवरेट गन्स हैं। ये डैमेज पड़ गई लेकिन बच गया वो, मतलब मुझे डैमेज ज़्यादा पड़ गई। तो इससे पहले तो मैं इधर फटाफट मेडिकेट भर लेता हूँ अपनी। तो उधर एक सामने बंदा है, हम उसे ख़त्म करने जाते हैं। वो हेड पड़ा, हेड दो तीन गोली हेड पे लगी लेकिन वो बच गया। तो फिर से मेडिकेट, ओ यार मतलब मैं मेडिकेट भरता रह जाता हूँ, वो उधर जाते हैं और ख़त्म कर देते हैं उन बंदों को। तो उधर एक साथी हमारा पिट रहा है और एक नॉक हो चुका है, इधर वो ख़त्म हो गया। अब दो बंदे और बचे हैं, उन दोनों बंदों को, उन दोनों में से किसी एक को तो हम लेके ही डूबेंगे ना, एक को तो लुक लेके डूबेंगे ही हम, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए एक को तो हम ही लेके डूबेंगे, कोई सा हो या ना हो। तो देखते हैं आगे। तो ये उन्होंने ग्लू वॉल लगा लिया, ये नॉक, पहला नॉक, एक किल हो गया। अब दूसरा किल भी हम ही करेंगे, ये दूसरा किल, ओहो इस राउंड में भी हमारा दूसरा किल हो गया, ओए बल्ले बल्ले। तो दोबारा हमारा दूसरा किल हो गया। अब इस बार मैं दक्ष से आगे पहुंच गया, ओ फर्स्ट नंबर पे, 8 किल मेरे, दक्ष के 7 किल, बहुत ही बढ़िया, ओपी गया, ओपी माल। तो इस राउंड में भी हम डबल किल हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस राउंड में हमारे डबल किल होगा या नहीं। तो फटाफट देखते हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट लाइक करो दोस्तों और सब्सक्राइब भी करो। मैं कब से बोले जा रहा हूँ और मेरे मुँह में दर्द हो गया, लेकिन इसमें वॉइस ओवर डालना तो पक्का बनता ही है। और कॉमेडी, जहाँ तक कॉमेडी की बात है ना, तो ऐसे सिचुएशन में कॉमेडी करना बिल्कुल भी सही नहीं रहता, क्योंकि हम हार भी रहे हैं जीत भी रहे हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में कॉमेडी करना सही नहीं होता। तो चलिए देखते हैं। और आप जल्दी बताओ कि इस राउंड में हम जीतेंगे या नहीं हारेंगे, कमेंट करके फटाफट बताओ कौन जीतेगा कौन हारेगा ये राउंड। तो मुझे लगता है कि हम ही जीतेंगे ये राउंड भी। उधर एक बंदा है, तो उधर दो दो बंदे हैं, हम पीछे से जाते हैं और उन बंदों को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे नहीं है, वो इधर से गायब हो गए मुझे लगता है, यहाँ पे भी नहीं है, कहाँ गए वो बंदे, अरे कहाँ भाग गए भैया जी। तो मुझे लगता है वो दोनों बंदे भाग गए यहाँ से, चले गए, मतलब कहीं और चले गए। अरे ऐसे कैसे चले गए वो, मतलब हमें छोड़ के चले गए, वो छोड़ के मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो सामने एक बंदा है, वो मैं अकेला ही बचा हूँ, ये सही नहीं है, मैं अकेला ही बचा हूँ, वो तीन तीन बंदे बचे हैं। तो ये सामने एक बंदा, इसे इसे ख़त्म ख़त्म ख़त्म, ओ शिट 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 शिट, ओ इसने हमें ख़त्म कर दिया। वेक्टर होती ना तो हम तीनों बंदों को आसानी से संभाल लेते, लेकिन इसमें तो वेक्टर मिलती ही नहीं है। मतलब कस्टम ऐसा बनाए कि मिनिमम गन्स हैं और ग्रेनेड भी नहीं है। आप ही बताओ, मतलब ये ग्रेनेड होता ना तो ये जो जोन ग्लू वॉल लगा लेते ना अपने चारों तरफ, एक ग्रेनेड फेंकते ख़त्म हो जाते पक्का। तो ये राउंड फिर से हम आ चुके हैं अपने राउंड पे। तो इस राउंड में देखते हैं हमारा कैसा किल होगा, इस राउंड में हमारा किल होगा या फिर हम करेक्ट मतलब एकदम धराशाही हो जाएंगे ज़मीन पे। तो कोई बात नहीं, धराशाही हो या ना हो, हम क्या करें, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कि अब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं बचा कि मैं इसमें क्या बोलूँ। मैं इस गेम के अंदर अगर जो कोई कुछ ओपी गेम जाता ना, तो कुछ शब्द भी बोलने के मुंह में आते कि हाँ भाई ये बोलते हैं। अब गेम भी ओपी नहीं जा रहा तो मैं बोलूँ क्या आपके सामने, मतलब कुछ भी नहीं, ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहा हूँ मैं, कुछ भी बोले जा रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। तो इस राउंड में इधर बंदा इसके अंदर है एक दो, ये कहाँ है वो, एक बाहर गया, एक मिनट एक मिनट, एक पीछे भी आ रहा है हमारे। तो मुझे लगा कि ये हमारा साथी था ये, तो कहाँ गया एक बंदा, ये रहा अंदर, एक एक मिनट एक मिनट, ओ तीनों इकट्ठे आ गए, तीनों इकट्ठे आ गए यार, ओ शिट। तो ये, ओ भाई तू संभाल ले, मुझे तो ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। तो पिछली बार जिस बंदे ने मारा था वो इस बार भी वही है, वो वन टैप इसने एक को मारा, वो एक किल ले गया, ये सेकंड, ओ मतलब इसने एक किल तो ले गया लेकिन बाकी दो बंदों ने इसे ख़त्म कर दिया। अब बराबरी का मैच नहीं है, क्योंकि वो हम 5 और ये 6 पे हैं। अगर जो ये लास्ट मैच ये जीत गए ना तो हमारा बोया नहीं हो पाएगा। तो कैसे भी करके ये राउंड हमें जीतना होगा और जिताना होगा अपने साथियों को, वरना हम बोया से दूर हो जाएंगे, हमारे साथ ये सही नहीं होगा, कुछ करना होगा हमें और बूया करना होगा। और अगर जो बूया नहीं हुआ ना तो बहुत ही बुरा होगा, बूया नहीं तो बुरा होगा। तो
बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा? ओ एक मिनट, ये मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा, कूद रहा हूँ तो कोई बात नहीं, इधर से चलता हूँ, बहुत ही समय वेस्ट हो गया। तो मैं उधर कूद रहा था लेकिन वैसे निकल नहीं पाया, पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ। तो चलिए आगे चलते हैं, वहाँ पे बंदे हैं। तो MP40 नहीं, डिजर्ट ईगल निकालता हूँ मैं। तो डिजर्ट ईगल से उधर गोली की बौछार करनी सही रहेगी। डिजर्ट ओ कहाँ से पड़ रही है मुझे, इतनी बुरी नहीं पड़नी चाहिए थी। अब फटाफट मेडिकेट भरता हूँ। एक बंदा, ओ यार दो दो यहीं पे हैं ये, पीछे ख़त्म ख़त्म। ओहो पीछे से नॉक कर दिया मुझे लगता है, नॉक पीछे से मेरे कहने से पहले ही नॉक कर दिया, मतलब मैं वॉइस ओवर डाल रहा हूँ, मेरे पीछे कहने से पहले ही नॉक कर दिया इन लोगों ने। अब ये आखिरी लंडा बचा है हमारा साथी दर्श। तो भाई दर्श तो कुछ तो कर ले भाई यार, प्लीज़ यार, हमारी तेरे से उम्मीदें हैं कि तू कुछ तो कर पाएगा। मतलब इसके पास गन की स्किन तो ओपी स्किन है यार, तो भाई कुछ तो कर यार, प्लीज़ कुछ तो करो यार। ये राउंड बस जिता दो, अगली राउंड में हम तुम्हें जिताएंगे, बस ये राउंड जिता दे यार दक्ष। तो तीन तीन बंदे हैं, ओहो बहुत बुरा बहुत बुरा, एक को तो नॉक कर दिया। अब आगे 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 भाई, उसको किल ले ले, उसका किल ले। ओ ये पिट रहा है यार, तो बहुत ही बुरा हो रहा, बहुत ही बुरा इस बेचारे के साथ भी। तो भाई किल ले लो इससे पहले कि वो ख़त्म करे उस बंजे को। तो फटाफट कुछ करते हैं, ये इन्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, ये कब से, मतलब इसने किल ले लिया इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। ओ कहाँ, इसे मारो ना मैं भी क्या मतलब अपने साथी को मरवाने की कह रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है इसके साथ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें तो ये दिखाई नहीं दे रहा मुझे लगता है। तो ये गोली पड़ेगी, पड़ ओ एक नॉक और ये ख़त्म हो गया। तो ये राउंड हम मतलब ये कस्टम हम हार चुके हैं बहुत बुरी तरह से हमारे, क्योंकि हम पांच बार, कोई बात नहीं बहुत बुरी तरह से नहीं हारे। तो देखते हैं मैन ऑफ द मैच कौन है। तो मैन ऑफ द मैच दक्ष है, 10 के 9 किल, मेरे 8 किल। तो वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। हैव अ नाइस डे दोस्तों, वीडियो इन्जॉय करो, दोबारा देखो, हैव अ नाइस डे।